जनाबे सुलेमान, देखें इनकी भेड़ों ने हमारे साल भर की मेहनत जाय कर दी। इसे बात के लिए उठा रखें, फिलहाल आपस में सुलह कर लें। सब सवार हो जाएं, जल्दी करें, सब सवार हो जाएं, जल्दी करें। क्या हुआ, अचानक ही रवाना हुई है? जल्दी करें। खालिद बिन अरिहा जा रहे हैं। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी। भाई, हाँ दुनिया। भाई, चंद लोगों ने अपने अजीज व अकारिब पर हमला कर दिया है। हमने अक्सर को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह मुमकिन है कि हम उन पर काबू पा सकें। किसी भी लम्हे कोई भी मुतासिर हो सकता है। जनाबे सुलेमान, हम खौफजदा हैं कहीं लुकमाए अजल ना बन जाएं। आखिर ये कैसी मुसीबत है जो हम पर नाजिल हुई है? खुदाया, ऐ मेरे माबूद और मुंतहा मकसूद, ऐ मेरे यार मददगार, ऐ मेरे मलजा मावा, तेरे सिवा कोई पनाहगाह नहीं है। मैं अपनी हर दाद फरियाद फकत तेरी बारगाह में पेश करता हूं।
ताकि फकत तू जो मेरा परवरदिगार है मेरी निजात का सामान करे। खुदाया ये तेरे कर्म के मुनाफी है कि तू मुझ जैसे कमजोर और नातवा को खूनखार दुश्मनों के चुंगल में यको तनहा छोड़ दे कि वो भलाएं मुझ पर बुरी तरह टूट पड़े और जिस इज्जत से तूने मुझे सरफराज फरमाया है उसे खाक में मिला दे। बारे इलाहा हमारे दिलों को दोबारा अपने ईमान के नूर से मुनव्वर फरमा दे ताकि हम तेरी खातिर दुश्मनों और मुफ्सिदों से जंग करने के लिए उठ खड़े हों और शैतान पर गालिब आ जाएं। ये आपका भाई था जिसने हमें लोगों की रहनुमाई न करने दी और उन्हें हमारे खिलाफ उकसाया। वो तो जाहिर है जो मुसीबत भी हम पर वारिद होती है वो मुशक्कस है, किसी ने भी आने वाले खतरे को संजीदा नहीं लिया। जवान हत्या के बाजार के मामलात में भी दखल अंदाजी कर रहा था। मामलाते बाजार? इनका मतलब सूद से है भाई। सूद? ये कबीला जब भी दवादारू या जरात के खराजात के लिए तही दस्त हुआ है तो इसने हमी से रुजू किया है और हमने हमेशा उनकी मदद की। और सूद जैसी लानत का क्या करेंगे? माले हराम से आलूदा आपकी जिंदगी का कितना भयानक अंजाम होगा इसका कुछ अंदाजा है आपको? माले हराम? शहर के काहिनों पर तोहमत क्यों लगा रहे हैं आप? आप तो खुद आसमानी किताब का इल्म रखते हैं। अकाबरी ने शहर गवाह है कि हमने माँ सिवाय अपने हक के लोगों से कुछ तलब नहीं किया। कौन सा हक? कैसी तलब? क्या इससे बड़ा आलमिया भी कोई होगा कि तालीमात मूसा के बरखिलाफ बनी इसराइल को इस अजीम और खौफनाक गुनाह का आदि बना रहे हैं और फलाह बेहतरी की राहें हमेशा के लिए उन पर मस्तूत कर रहे हैं। कैसा गुनाह जनाब सुलेमान? सूद तो दौलत की जीनत है, उधार लेने वालों की रजाइयत उसे हलाल कर देती है, तौरात की रूह से भी और दीगर आसमानी तहीबों के रूह से उस किताब के मुताबिक जिसमें अपनी पसंद से तहरीफात की हैं, उसके कलिमात में अपने मफाद के मुताबिक रद्दबदल किया है। किसने कहा कि लोगों के माल से सूद खाना आपका हक है? शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्या नहीं जानते कि माले हराम वो आतिश जहन्नुम है जो आप सबको जलाकर खाकस्तर कर देगी? तो फिर हमारा जरिया माश क्या होगा? क्या भूख के मारे आवारा और सरगर्दा दर दर भीख मांगकर आलिमों की इज्जत को खाक में मिला दे? वाह हो आप लोगों पर, वाह हो कि आप लोगों की कम इल्मी आपकी सरकशी का बायस हो गई है। अब मुझे समझ में आया कि खुदा ने मेरी हुकूमत को एक लाश की सूरत में पड़ा हुआ मुझे क्यों दिखाया था। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाए कि मुझे आप लोगों से किसी खैर की तवक्को नहीं। कल मैं आप लोगों के पास किसी और को भेजूंगा, वो जो आप लोगों से ज्यादा इल्म रखता हो, वो जिसका इल्म उसकी गुमराही का बायस ना बना हो। पहाड़ अपनी जगह से खिसक जाए लेकिन वो साबित कदम रहेगा, दुनिया लरस जाए वो नहीं डगमगाएगा। कल का सानहा याद है? इस वक्त दीगर शहरों की भी यही सूरत हाल है। अगर दोबारा जनून हम पर तारी हो गया तो? आप में से जिन्होंने भी हक की पैरवी की वो फितनों से अमान में रहे, आपकी वही साहब का जिम्मेदारी है। खुदा निगेदार।